रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला चौथा देश बन गया है। 27 मार्च को भारत ने यह अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने यह कारनामा मिशन शक्ति ऑपरेशन के तहत किया है। इसे लेकर आम जनता के अंदर कितना उत्साह और उमंग है, ये जानने के लिए सन्मार्ग की टीम ने बात की बड़ा बाजार के कुछ लोगों से। अपने वैज्ञानिकों पहले बात तो शुभकामनाएं देना है और मोदी जी को भी धन्यवाद देना है, जो 70 साल में नहीं हुआ, 4 दिन में 3 दिन में हो गया। बस और कुछ नहीं है, बस मोदी के अलावा कोई आएगा भी नहीं, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, सब एक जाए कुछ भी कर ले, लेकिन मोदी के अलावा कुछ नहीं है। मोदी के सपोर्ट में कोई नहीं हुआ, सामने कोई रहेगा भी नहीं, ओनली बहुमती में, जंगी बहुमती से वो लोग चिल्लाएगा। आज तक मतलब देश आजाद होने के बाद में 70 साल में पहला काम ऐसा हुआ जो मोदी जी ने किया है। आज तक कोई भी नेता या अभिनेता ने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है। मोदी जी चयन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा खुश है। और हमको ऐसा लगता है अगर मोदी जी 20 साल और रहे तो भारत एक नंबर में भी आ सकते। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, इसके लिए तो हम सबको मिलके मोदी जी के विषय में सोचना पड़ेगा, फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। आगे तो देश का विकास अगर कुछ कर पाएंगे तो सिर्फ मोदी जी ही कर पाएंगे। फिर से मोदी जी आए, यही बात है हमारा। और मोदी जी खूब अच्छा आदमी है, ये हमारे लिए शक्ति है एक धर्म का। मैं तो चाहता हूँ मोदी आए और सब हिंदू एक होके मोदी को वोट दे। मोदी के सिवा कोई देश नहीं चला सकता। मोदी है तो आ गया, मोदी नहीं होता तो भारत कहाँ होता, सोचने बहुत दूर की बात होती। तो खुश तो है मगर तुम्हें दिल्ली में मोदी नहीं चाहिए, दिल्ली में चाहिए कांग्रेस ने तो दूसरा पार्टी चाहिए। वो सब मोदी जी का करामात है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ना तो कुछ न हो। मोदी जी से तो बहुत उम्मीदें हैं और वो जितना भी ट्राई कर रहे हैं भारत के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही, कि हम लोग फर्स्ट 5 के अंदर में आ गए हैं। और जो मोदी किया कोई नहीं करेगा और कोई नहीं कर सकता अभी तक। वही मोदी जी के बारे में कहना चाहेंगे, जो उन्होंने किया है, जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है वो किसी और के अंदर नहीं है। आप चाहे डायरेक्टली बुलवाना चाहें या इनडायरेक्टली बुलवाना चाहें, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी ने सब कुछ कर दिया जो अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस भी आ गया, तृणमूल भी आ गया, किसे बीजेपी के मोदी ने किया। वो मोदी जी पे बहुत गर्व है, तभी तो मोदी के विरोध में जो 23 जो चोर इकट्ठा हुआ है, इसके पीछे कारण है बहुत बड़ा। पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है, सब समझता है। और उम्मीद है आगे बार जो आएगा उसको भारत के लिए अच्छा क्या करेगा। इस बार जो आएगा मोदी, इस बार पाकिस्तान को पूरा खत्म कर देगा आतंकवादी, और अच्छा करेगा। जो मिसाइल कांग्रेस के जमाना में जो पास हुआ था, कांग्रेस को करने नहीं सका, किंतु मोदी सरकार आकर उसको किया है। अगर हमारा देश का अगर ये सुरक्षा अगर बढ़ता है तो इसके लिए बढ़िया ही, अच्छे ही है, खराब कोई बात नहीं है। कुछ नहीं है, जो है बनेगा बनेगा, बना हुआ बनेगा क्या, जो बनेगा बन गया, अभी भारत बन गया है। मोदी रहने से हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे और दूसरा कोई आने से कुछ नहीं होगा। 70 साल तक कुछ नहीं हुआ, अभी जो कुछ हो रहा है तो प्राउड फील हो रहा है। मोदी ही आना चाहिए। इसी का कारण क्या है मालूम है? ये मोदी का चक्कर में मोदी के लिए सब हुआ है। और जो 70 साल में पीछे वाला आदमी बोला ना, एकदम सही बात है, ये दिल का बात है। जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया, वही आएगा, वही आने से देश ठीक रहेगा, नहीं तो फिर वही चक्करबाजी चलेगा, फिर वही चक्करबाजी आ जाएगा।
पांच आदमी जुट के पांच नेता लोग जाएगा, हम प्रधान बनेगा, वो अर्थ बनेगा, वो रेल बनेगा, करते करते हो जाएगा सब गंडूबाजी। हमने लोगों से बातचीत की और देखा कि लोगों के अंदर काफी उत्साह और काफी उमंग है। अब लोग यही चाहते हैं कि भारत महाशक्ति के रूप में नंबर वन स्थान प्राप्त करे। कैमरामैन रवि के साथ मैं श्वेता पाठक, सनमार्ग, कोलकाता।